बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। बड़े आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स लेक्चर नंबर 3, पेज नंबर 22 एंड 23। आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। पहले हमने 4 डिजिट नंबर तक कैरिंग वाला पढ़ा, आज हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देयर आर 3,368 गर्ल्स एंड 4,905 बॉयज़ इन अ स्कूल, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द स्कूल। बेटे वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3,368 लड़कियां हैं और 4,905 लड़के हैं एक स्कूल में, तो टोटल कितने बच्चे हुए एक स्कूल में। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स राइट करना है इज़ इक्वल टू 3,368। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने राइट करना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू प्लस 4,905। टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 8,273 यहाँ पे उन्होंने राइट किया है। अब हमने ये देखना है कि इसका आंसर ठीक है या नहीं। 8 + 5 = 13, 3 1s की प्लेस पे राइट कर दिया और 1 को यहाँ पे कैरी कर लिया 10s की प्लेस पे। 6 + 1 = 7, 9 + 3 = 12, 2 यहाँ पे राइट किया 100s की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया 1000s की प्लेस पे। 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8। क्या आंसर आया बेटा, 8,273। इट्स मीन टू से कि हमारा आंसर ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। हमें कहा गया है तहसीन हैड 1,655 मार्बल्स, हर सिस्टर गेव हर 9,999 मोर मार्बल्स। मतलब तहसीन के पास 1,655 मार्बल थे, उसकी सिस्टर ने उसको 999 मार्बल्स और दे दी। अब उसके पास हाउ मैनी मार्बल डज शी हैव नाउ, अब उसके पास कितनी मार्बल्स हो गई। हमने राइट करना है तहसीन हैड मार्बल्स 1,655, हर सिस्टर गेव हर प्लस 999, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब हमने इसको प्लस करना है और इसका टोटल निकालना है। 9 + 5 = 14, 4 यहाँ पे पुट किया 1s की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया 10s की प्लेस पे। 9 + 1 = 10, 10 + 5 = 15, 5 यहाँ पे पुट किया 10s की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया 100s की प्लेस पे। 9 + 1 = 10, 10 + 6 = 16, 6 यहाँ पे पुट किया 100s की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया 1000s की प्लेस पे। 1 + 1 = 2, हमारे पास क्या आंसर आया बेटे, 2,654। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राशिद पेड रिस 9,850 इन ज़कात एंड आमना पेड रिस 6,116। राशिद ने कितनी ज़कात दी, 9,850, और आमना ने कितनी ज़कात दी, 6,116। फाइंड द टोटल अमाउंट दे बोथ पेड इन ज़कात। अब हमने टोटल अमाउंट निकालनी है ज़कात की जो उन दोनों ने अदा की। बड़े हमने क्या लिखना है, राशिद पेड ज़कात इज़ इक्वल टू 9,850, आमना पेड ज़कात प्लस 6,116। टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 6, 0 + 6, 1s की प्लेस पे 6 आ गया, 10s की प्लेस पे भी 6 आएगा। 5 + 1 = 6, 8 + 1 = 9, 9 + 6 = 15, 15,966। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द लाहौर फॉर ड्यूरिंग 3 consecutive डेज वाज 2,006, 1,056, 3,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब के लाहौर फोर्ट की जानिब जिन लोगों ने मतलब सफ़र किया 3 दिनों में, वो ये लोग थे 2,006, 1,056 और 3,000। अब हमने
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन दी डेज़। अब हमने इन 3 डेज़ में जितने विजिटर थे टोटल उनकी नंबर फाइंड करने हैं कि मतलब टोटल कितने विजिटर्स 3 दिन में गए। अब हमने लिखना है फर्स्ट डे विजिटर्स 2006, सेकेंड डे विजिटर्स 1056, थर्ड डे विजिटर्स 3000। अब हमने इन तीनों को प्लस करना है और इनका टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स राइट करके हमने करना है टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इज इक्वल टू 6 + 6 12, 6 + 6 12, 2 यहाँ पे पुट किया बेटे वंस की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया टेंस की प्लेस पे, 5 + 0 5 + 1 6 6 + 0 6 6 यहाँ पे पुट कर दिया टेंस की प्लेस पे, 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0। अब हमने नेक्स्ट देखना है 2 + 1 3 3 + 3 6 6062 इसका आंसर आता है हमारे पास। फिर नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 23, यहाँ पे हमारे पास ऐड दीज मतलब इनको ऐड करना ही बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले 3 पेजेस से हमने किया हुआ है। अभी देखें 7 + 3 10, 0 टेंस की प्लेस पे पुट कर वंस की प्लेस पे पुट करके 1 को कैरी कर लिया टेंस की प्लेस पे, 6 + 4 12, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 1 यहाँ पे पुट कर दिया टेंस की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया हंड्रेड्स की प्लेस पे, 5 + 5 6, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 1 यहाँ पे पुट कर दिया हंड्रेड्स की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया बेटे थाउजेंड में, 4 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 यहाँ पे पुट कर दिया बेटे। दोबारा देखें 7 + 3 10, 10 0 यहाँ पे पुट कर दिया 1 को कैरी कर लिया टेंस में, 6 + 4 10, 10 यहाँ पे 10 और 1 11, 1 को टेंस की प्लेस पे राइट करके 1 को कैरी कर लिया हंड्रेड्स की प्लेस पे, 5 + 5 10, 10 और 1 11, 1 को यहाँ पे राइट करके 1 को कैरी कर लिया थाउजेंड्स की प्लेस पे, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8110 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5673 प्लस 9586, 6 + 3 9 वंस की प्लेस पे आ गया, 8 + 7 15, 5 यहाँ पे पुट कर दिया टेंस की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया हंड्रेड्स की प्लेस पे, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 2 यहाँ पे पुट किया हंड्रेड्स की प्लेस पे और 1 को कैरी कर लिया थाउजेंड्स की प्लेस पे, 5 + 9 14, 14 + 1 15, 15259 इसका आंसर था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1299 प्लस 7392 9 + 2 11, 1 यहाँ पे पुट कर दिया और 1 को कैरी कर लिया 9 + 9 18, 18 + 1 19, 9 यहाँ पे पुट कर दिया और 1 को कैरी कर लिया यहाँ पर, 2 + 3 5 + 1 6, 7 + 1 8। बढ़िए हमारे पास क्या आंसर आता है, 8691। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है 7363 प्लस 401, 3 + 1 4, 6 + 0 6, 3 + 4 7 और 7000 वैसे ही हम यहाँ पे राइट कर देंगे, 7764। ये दोनों क्वेश्चन बेटे सेम ही हैं। नेक्स्ट देखें, 2000 प्लस 77, 7 + 0 7 + 0 7, 7 यहाँ पे पुट कर दिया 7 + 0 7, टेंस की प्लेस पे पुट कर दिया हंड्रेड्स की प्लेस पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए 0 वैसे ही पुट कर देंगे और 1000 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है इसलिए 2077 इसका आंसर आता है। बट नेक्स्ट हमारे पास उसने दिया हुआ है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर एंड द 4-डिजिट नंबर। हमने 2 डिजिट ये 3-डिजिट नंबर्स लिखने हैं, एक जो सबसे ग्रेटेस्ट हो 3-डिजिट नंबर और एक 4-डिजिट नंबर। तो
तो हमारे पास ये 3 डिजिट नंबर क्या आता है 999, और 4 डिजिट नंबर क्या आता है 9999। बेटे अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।